डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि दरख्तों से ज्यादा ऑक्सीजन कौन फराहम करता है? क्या आप बता सकते हैं कि जानवर शाम को अपने घर आने के लिए रास्ता कैसे तलाश करते हैं? परिंदे कैसे कई किलोमीटर सफर तय करके एग्जैक्ट अपने घोंसले तक पहुंच जाते हैं? डियर व्यूअर्स, साइंस में दिलचस्पी कौन नहीं रखता? साइंसी ऐजादात ने आज हजरत इंसान की जिंदगी आसान कर दी है। महीनों का सफर अब दिनों की बजाय घंटों में करना मुमकिन हो गया है। साइंस ही की बदौलत आज इंसान खलाई तहकीकात में कामयाब हुआ है। चांद से आगे का सफर भी साइंस ही की मरहूने मिन्नत है। आसमानों में सितारों की खोज और जमीन के सेंटर तक मालूमात हासिल कर लेना साइंस ही की बदौलत है। तो आज की इस वीडियो में हम अमेजिंग साइंसी फैक्ट्स के बारे जानेंगे, ऐसे हकायक जानने की कोशिश करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पेंसरा टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। डियर व्यूअर्स, ऑक्सीजन हमारी जिंदगी है। पानी के बगैर तो इंसान कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर इंसान चंद ही लम्हों में एक्सपायर हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? अगर आपका जवाब दरख्त या अमेजोन का जंगल है तो आपको 10 में से 3 नंबर दिए जाएंगे। हम ये ख्याल करते हैं कि ऑक्सीजन सारी की सारी दरख्तों से प्रोड्यूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार समंदर से आती है। साइंटिस्ट का कहना है कि कुल ऑक्सीजन का 60 से 70% हिस्सा समंदर प्रोड्यूस करता है, जबकि 30 से 40% ऑक्सीजन दरख्तों से मिलती है, जिसमें से 26% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजोन के जंगलात प्रोड्यूस करते हैं और बाकी ऑक्सीजन हमें पूरी दुनिया में लगाए गए दरख्तों से मिलती है। डियर व्यूअर्स, शायद आप यकीन ना करें कि इंसानी मैदा लोहे के बारीक ब्लेड को हजम कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे मैदे में तेजाब होता है और एसिड को हम 0 से 14 तक क्लासिफाइड करते हैं। अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में हमने ये स्टडी किया था कि अगर पीएच लेवल कम होगा तो एसिड यानी तेजाब उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और हमारे मैदे में पाया जाने वाला तेजाब बहुत मजबूत होता है, क्योंकि नॉर्मली इसकी पीएच वैल्यू 1 से 3 के दरमियान होती है। पीएच वैल्यू लो होने की वजह से हमारे मैदे का तेजाब ब्लेड को हजम करने की सलाहियत रखता है। लेकिन आप ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए तो फौरन से पहले डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। लेकिन आपको घबराने की बजाय डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा जरूरत है। डियर व्यूअर्स, आपने केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया होगा, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या इससे ज्यादा हो तो वो लगातार रेडिएशन यानी खतरनाक शोएं खारिज करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। लेकिन कैसा लगेगा अगर एक फल भी शोएं निकालने लग जाए? बनाना यानी केला ऐसा फल है जो ताबकारी शोएं खारिज करता है। असल में इसमें पोटाशियम की मिकदार ज्यादा होती है, लेकिन ये रेडिएशंस नहायत मामूली और कुछ देर के लिए होती हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं। लिहाजा बनाना आप शौक से खाइए, डरने वाली कोई बात नहीं। डियर व्यूअर्स, परिंदे और जानवर सुबह सवेरे ही अपने रिज़क की तलाश में निकल जाते हैं और अपने घरों से, घोंसलों से दर्जनों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तो फिर आखिर शाम को इतना सफर करके एग्जैक्ट अपने घर कैसे पहुंच जाते हैं? इस अमेजिंग फैक्ट्स को भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जानवर अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं। हत्ता के समुद्री जानवर भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। US जियोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक कुछ ऐसे जानवर मौजूद हैं जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करते हैं, जैसे समुद्री कछुए और सांप वगैरह। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ज़मीन एक मैग्नेट है? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि ज़मीन के अंदर मैग्नेटिक की मुख्तलिफ तहें मौजूद हैं। इसके अलावा ज़मीन की रोटेशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिसे हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। डियर व्यूअर्स, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ लजीज खाने खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम ये लज्जत, ये टेस्ट कैसे फील करते हैं? असल में खानों का टेस्ट हमारे लुआब यानी सैलिवा की वजह से होता है। हमारे लुआब में ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो खाने को डिसॉल्व करते हैं और हमारे मुँह में मौजूद टेस्ट बड्स इनका जायका महसूस करते हैं। टेस्ट को फील करने में हमारी ज़बान का भी अहम किरदार है। लेकिन अगर खाना खाते वक्त लुआब लुकमा में शामिल ना हो सके तो हम खाने की लज्जत को महसूस ही नहीं कर सकते। डियर व्यूअर्स, हम सभी ग्रेविटी के मतलब जानते हैं।
जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा था तब उसे पता चला कि जमीन हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, इसलिए सेब ऊपर नहीं गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट भी मौजूद है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, जिसका नाम हीलियम है। ये एलिमेंट ऊपर की तरफ जाता है असल में जब इसका टेम्परेचर -269 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये तकरीबन मासलेस हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की फोर्स इस पर अमल नहीं करती और ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो डियर व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नेक्स्ट ऐसे ही एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।